के लिए फोन का अच्छा कैमरा है, हमने लाइटिंग भी ठीक ठाक कर रखी है, लेकिन हमारी वीडियो के लिए अच्छा बैकग्राउंड नहीं है। तो बैकग्राउंड को आप चुटकियों बदल सकते हो, कुछ ऐसे 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 ऐसे, और आपको कुछ भी नहीं करना रहेगा, सब कुछ AI करके देगा। अब YouTube पर इस वाले बंदे का वीडियो देखो। अगर चीप भाषा में बात करूं तो कॉपी हुआ है, तो वहां लोग आपको पसंद करते हैं। और आप ध्यान से देखोगे तो अपनी हर एक वीडियो में ये बंदा अलग अलग बैकग्राउंड यूज करता है, जो दिखने में काफी ज्यादा कूल भी लगते हैं, और ऑडियंस को हर दिन बैकग्राउंड में कुछ नया देखने को भी मिलता है। अब AI से बैकग्राउंड को जनरेट करने से लेकर उस बैकग्राउंड को अपनी वीडियो के अंदर, अपनी YouTube वीडियो के अंदर कैसे करके यूज करना है, सब कुछ सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। और एपिसोड के लास्ट में मैं आपको वो फाइनल वीडियो भी दिखाऊंगा, तो मतलब एपिसोड से एंड तक बने रहना। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो, आप देख रहे हो AI फॉर YouTube। अब बैकग्राउंड बनाने के लिए सिंपली आपको गूगल क्रोम ओपन करना है, वहां पे सर्च करना है प्ले ग्राउंड, टॉप पर ही आपको एड मिलेगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। फिर गेट स्टार्टेड फॉर फ्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कंटिन्यू विद गूगल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी जीमेल से यहां पर साइन इन हो जाना। और आपके सामने यहां पर बहुत सारी कैटेगरी खुलेंगे, आप स्क्रॉल करोगे तो आपको सिंपली वर्चुअल बैकग्राउंड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और यहां पर आपके सामने बहुत सारे बैकग्राउंड्स आ जाएंगे। अब दोस्तों आप बोलोगे कि इसमें AI क्या है, तो सुनो ध्यान से, आपको इनमें से कोई भी बैकग्राउंड को चूज कर लेना है, बस ध्यान रहे जिस पे बॉक्स बना है वो बैकग्राउंड आपको चूज नहीं करना है। तो सपोज मैंने ये वाला बैकग्राउंड चूज कर लिया है, अब आप चाहते हैं कि इस बैकग्राउंड के अंदर कुछ भी चेंज करना है, तो सिंपली जस्ट नीचे आपको वो लिखना रहेगा। तो मैंने यहां पे लिख दिया है बुक के कलर को चेंज कर दो, और जैसे ही मैंने ये लिखा, देखो इस AI टूल ने उस बैकग्राउंड के अंदर वो पर्टिकुलर चीज चेंज कर दी। तो आप इस तरीके से अपने बैकग्राउंड के अंदर जो मन चाहे वो चेंज कर सकते हो। बाकी अगर आप अप्लाई स्टाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहां पर उसी बैकग्राउंड के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैकग्राउंड आपको दिखाई देंगे, आप चाहो तो यहां से भी चूज कर सकते हो। इतना करने के बाद सिंपली आपको शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अपने फोन की गैलरी में इसको डाउनलोड करके रख लेना है। दोस्तों बैकग्राउंड तो बनकर आ चुका है, अब इसको अपनी वीडियो के अंदर कैसे यूज करना है चलिए देखते हैं। दोबारा से आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है, वहां पे सर्च करना है कैपकट APK मिरर, टॉप पर ही आपको टूल मिलेगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। कहां से स्क्रॉल करोगे तो यहां पर कैपकट के बहुत सारे वर्जन आ जाएंगे, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। एंड फिर से एक बार वर्जन पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको वहां से उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इंस्टॉल कर लेना है, फिर आपको जाना है प्ले स्टोर पर, एंड वहां से डाउनलोड करना है टर्बो VPN। इसको ओपन करने के बाद आपको कनेक्ट कर लेना है, फिर इसके बाद आपको कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करना है, फिर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद जो भी बैकग्राउंड हमने बनाया था उसको यहां पर इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के बाद दोस्तों ऐड ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जो भी वीडियो हमने शूट करके रखा था उसको यहां पर इंपोर्ट कर लेना है। अब वीडियो वाली लेयर पे आपको क्लिक करना है, और राइट स्क्रॉल करके रिमूव VG वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहां पर ऑटो रिमूवल को सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों यहां पर कुछ देर का प्रोसेस होगा और आपकी वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। आपको खुद को यहां पर अच्छे से एडजस्ट कर देना है उस बैकग्राउंड के ऊपर, और सब कुछ अच्छे से एडजस्ट करने के बाद अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है, और देखो फाइनल वीडियो। दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि अपनी ब्लॉग वीडियो के लिए कैसे थंबनेल बनाते हैं। तो दोस्तों आप इस तरीके से अपनी वीडियो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, उसमें कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हो AI से बनवाकर, जो देखने में एकदम ही प्रोफेशनल लगता है। तो आज के एपिसोड से इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे फीडबैक जरूर बताएं, और AI फॉर YouTube से मैं ऐसा AI वाला कंटेंट लेकर आता रहता हूं, तो बने रहिएगा, मिलते हैं कल एक नए AI टूल के साथ।